नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस वक्त की बड़ी खबर और दुखद खबर सामने आई है। आरएलडी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का निधन हुआ है। वो कोरोना संक्रमित थे। मंगलवार रात को तबियत बेहद बिगड़ गई थी। गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने के कारण उनकी हालत नाजुक हो गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह बागपत से 7 बार सांसद और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं। 86 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। उनके निधन के बाद बागपत समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश में शोक की लहर दिखाई दे रही है। चौधरी अजीत सिंह की गिनती बड़े जाट नेताओं में होती थी। लाल के इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।